हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज BRS का हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने वाले, विच इज प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 3 या अनसॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 3। फिर से BRS का ये हमारा इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है, जहां पर आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की लिस्ट दी जाएगी। आपको हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस को पढ़ना है एंड वो डेबिट है या क्रेडिट है वो मार्क करना है, और फिर BRS बनाने की जितनी भी स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है, उन्हें फॉलो करना है। तो जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, उसके पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं, फिर से वही चीज़ या उसी प्रकार से या उसी सीक्वेंस से मैं आज का भी सम सॉल्व करने वाला हूँ। तो नथिंग न्यू। तो आने वाले जितने भी सम्स हैं, हम इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, राइट। सो प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा कि दिस इज वेरी टेक्निकल चैप्टर, राइट। तो इसमें आपको प्रैक्टिस काफी जरूरी है। कीप ऑन रिवाइजिंग BRS के सम। अभी तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए हैं, बोथ अनसॉल्व्ड एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन एग्जांपल, उनको कीप ऑन रिवाइजिंग। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 3 या अनसॉल्व्ड एग्जांपल 3। पहले पढ़ते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट मार्क करते हैं और फिर BRS बनाते हैं, राइट। बट शुरू करते कि उन्होंने दिया क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ऑन 31st August 2018, बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹33,600। तो मैंने उसे हाईलाइट किया, बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,600, नथिंग बट ये मेरे लिए बन गया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्या कह रहा हूँ मैं उसे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 33,600। तो ने मेरी कहा कि रवि के पासबुक में देर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,600। कहाँ पर है, बैंक पासबुक में। क्या दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। कितना बैलेंस दिखा रहा है, 33,600 का। कहाँ दिखा रहा है, पासबुक में। तो ये मेरे लिए बन गया बैंक का बैलेंस, बट एज पर विच स्टेटमेंट, एज पर पासबुक। सो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 33,600। जो हाईलाइटेड पार्ट है उसका मतलब है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। Is this clear, right? फिर आगे उन्होंने क्या कहा है, बट कैश बुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस। फिर से मैंने उसे हाईलाइट किया, बट कैश बुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस। कैश बुक में कुछ अलग ही बैलेंस दिखा रहा है, पासबुक में 33,600 बैलेंस दिखा रहा है, बट कैश बुक में कुछ अलग ही बैलेंस दिखा रहा है, बट वो कितना है उसकी अमाउंट नहीं दी है। तो व्हाट आई कैन सिंपली से, आई कैन से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज क्वेश्चन मार्क। कि कैश बुक कुछ अलग ही बैलेंस दिखा रहा है, कितना अमाउंट नहीं बताया। तो वही तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है। गेटिंग इट। तो हमारा एजेंडा है BRS बनाओ, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एंड एंड पॉइंट बन जाएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक का बैलेंस 33,600 हमारे पास अवेलेबल है, कैश बुक में कोई और बैलेंस था या कुछ और बैलेंस था, 33,600 नहीं था, कुछ और था, बट कितना है वो नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। वही उन्होंने कहा है, ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स द फॉलोइंग डिफरेंसेस वेयर नोटिसेबल। तो उन्होंने कैश बुक पासबुक को कंपेयर किया एंड ये 6 डिफरेंसेस, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपको निकाल के दे दिए। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑलरेडी उन्होंने आपको निकाल के दिए हैं, आपका बस काम है डेबिट क्रेडिट मार्क करना। हमें करना क्या है, तो उन्होंने लास्ट लाइन पर कहा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st August 2018। तो हमें सिंपली BRS बनाना है, राइट। तो BRS बनाने के लिए हमारे पास बैंक बैलेंस एज पर पासबुक अवेलेबल है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमें ढूंढना है, एंड ये 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। तो हमारा अगला काम क्या है, इन 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को पढ़ना है एंड उन्हें डेबिट क्रेडिट मार्क करना है। बट उन्हें डेबिट क्रेडिट मार्क करने के लिए मैं रफली अपने सामने कैश बुक एंड पासबुक का फॉर्मेट सामने रख रहा हूँ, कैश बुक रिसिप्ट पेमेंट, पासबुक रिसिप्ट पेमेंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो ये रफली फॉर्मेट आपके सामने रखा करो तो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन आपके लिए आसान होगा। इज दिस क्लियर। आपने आपके नोटबुक में भी पिक्चर रफली ड्रॉ किया होगा तो उसका यूज करो। तो मैं क्या करूंगा, एक 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 पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ूंगा, इमेजिन करूंगा कि वो इन दोनों बुक्स में से कहाँ पर रिकॉर्डेड है, फिर कौन से साइड पर रिकॉर्डेड है और वो साइड डेबिट है या क्रेडिट है। तो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। पहला मैं क्या यूज करूंगा कि कौन से बुक में रिकॉर्डेड है, फिर कौन से साइड पर रिकॉर्डेड है, फिर वो डेबिट है या क्रेडिट है। डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट पे जंप नहीं करना है, डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट पे जंप करोगे कभी नहीं सही होगा। पहले ट्रांजेक्शन पढ़ो, फिर एनालाइज करो, इमेजिन करो कि इसकी एंट्री दोनों में से कहाँ पर होगी, फिर दोनों में से जहाँ जिस बुक में होगी उसके कौन से साइड पर होगी, दैट इज रिसिप्ट में होगी या पेमेंट में होगी, फिर जो साइड है वो डेबिट है या क्रेडिट है। ऐसा आपको स्टेप बाय स्टेप डेबिट क्रेडिट ढूंढना है।
टेक्स्ट बुक में BRS बनाने की कुछ अलग मेथड आपको दी है जिसमें आपको ट्रांजैक्शंस लर्न करने हैं विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, या आपको कॉलेज में मे बी इस मेथड से सिखा सकते हैं या किसी और मेथड से सिखा सकते हैं. दिस इज़ द इजीएस्ट मेथड आई हैव टेकन आउट टू अंडरस्टैंड और टू प्रिपेयर BRS, राइट. तो कॉलेज में मे बी इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाएगा, बट द एंड रिजल्ट होगा आप जो BRS बनाओगे वो आंसर और कॉलेज के मेथड का आंसर सेम ही होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट. या टेक्स्ट बुक में दी हुई मेथड एंड मैं जो मेथड पढ़ा रहा हूँ आंसर हमारा सेम है, बट BRS तक पहुँचने का या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को लिखने का या डेबिट क्रेडिट मार्क करने का तरीका अलग अलग है. इज दिस क्लियर? सो आई एम गिविंग यू द सिंपलेस्ट इजिएस्ट वे टू प्रिपेयर BRS. इज दिस क्लियर? तो मेरा सिक्वेंस क्या कहता है कि हम पहले ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे, राइट. हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट या क्रेडिट मार्क करेंगे और फिर BRS का स्टेटमेंट. तो अगला काम आसान है हमारे लिए, एक बार डेबिट क्रेडिट लग गया अगला काम इज वेरी इजी. इज दिस क्लियर? चलो तो मैं शुरुआत करता हूँ, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ. पहले ट्रांजैक्शन में लिखा है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31st अगस्त अमाउंटेड टू ₹24,500. सिंपल ट्रांजैक्शन. इससे पहले दोनों सम्स में ऐसे वाले ट्रांजैक्शन थी कि मैंने चेक उठाया, बैंक में जमा किया, राइट. मुझे जो चेक मिला था किसी मेरे डेटर ने या कस्टमर ने मुझे चेक दिया था, वो चेक मैंने अपने बैंक में पे किया, जमा किया, डिपॉजिट किया, लेकिन उस चेक के पैसे अभी क्लियर होके मेरे बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुए हैं. मैंने चेक बैंक में जमा किया लेकिन चेक के पैसे खाते में अभी तक जमा नहीं हुए हैं. इसका सिंपल मतलब है अभी तक बैंक अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए हैं, मतलब इसका कोई भी एंट्री पासबुक में रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता. अभी तक वो पैसे क्रेडिट नहीं हुए मेरे खाते में, मेरे खाते में पैसा जमा नहीं हुआ है, मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन पासबुक. देन वो कहाँ पर रिकॉर्डेड है? बट ऑब्वियस, अगर मैं बैंक में चेक जमा कर रहा हूँ तो बैंक में मैं कौन सा चेक जमा करता हूँ? जो चेक मुझे मिलता है. इस और नो, तो मुझे चेक मिलने पर मैं एंट्री कहाँ करता हूँ? मैं एंट्री करता हूँ इन द कैश बुक. सो मतलब जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. अब मुझे सोचना होगा कि कैश बुक के कौन से साइड इसकी एंट्री होगी, रिसिप्ट में होगी या पेमेंट में होगी. तो मुझे चेक मिल रहा है ना, हम बैंक में कौन सा चेक जमा करते हैं? जो चेक मिलेगा वो बैंक में जाएगा, तो चेक मिलने की एंट्री मैं कैश बुक के रिसिप्ट में करूंगा. यस और नो? तो कैश बुक के रिसिप्ट में इट इज रिकॉर्डेड. अब बस आपको इतना एनालाइज करना है कैश बुक का रिसिप्ट साइड इज डेबिट या क्रेडिट. तो देखो कैश बुक का रिसिप्ट साइड इज डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कैश बुक इज डेबिट. सो नथिंग बट, मेरा जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इज नथिंग बट डेबिट. तो उसके ऊपर मैं कोने में डेबिट लिख रहा हूँ कि माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेबिट. डेबिट तक कैसे पहुँचा? तो मैंने ट्रांजेक्शन पढ़ी, उसका मतलब समझा. उसका मतलब है कि मैंने चेक बैंक में जमा किया, चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन चेक के पैसे अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुए हैं. पैसे बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुए मतलब पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. यस और नो? बट हम कौन सा चेक बैंक में जमा करते हैं? जो चेक हमें कस्टमर से या सप्लायर से आता है या डेटर से आता है, वो चेक हम बैंक में जमा करते हैं. तो चेक आने की एंट्री मैं कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ? एज अ बिजनेसमैन मैं रिकॉर्ड करता हूँ इन द कैश बुक. चेक मिला तो कैश बुक के कौन से साइड पर? रिसिप्ट साइड पर. तो कैश बुक का रिसिप्ट इज डेबिट, तो माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज डेबिट. एज सिंपल एज दैट. ये पहले कुछ सम से आपको ये थोड़ा लेंदी लगेगा, बट आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे इंप्रूव होगा एंड ये काफ़ी जल्दी जल्दी बनेगा. कुछ तो ट्रांजैक्शंस बार बार रिपीट होगी, वो डेबिट का डेबिट ही रहेगा हर एक क्वेश्चन में. जैसे मैंने आपको जब हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि चेक आपने बैंक में जमा किया, अभी तक पैसे जमा नहीं हुए, इज ऑलवेज डेबिट. उसका उल्टा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज ऑलवेज क्रेडिट. तो कोई भी क्वेश्चन लो, ये डेबिट का डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट का क्रेडिट ही रहेगा. इज दिस क्लियर? तो ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ. दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT 33,000 रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली. सो इट इज़ वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन टू एनालाइज. उन्होंने कहा है कि आपके कस्टमर ने या मेरे कस्टमर ने या हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में 33,000 rupees जमा किए, राइट, जिसकी एंट्री पासबुक में ही है. लास्ट देखो, रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली. क्या कहा उन्होंने? रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली. तो वेरी सिंपल, जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, मतलब इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो मैं पासबुक में जा रहा हूँ क्योंकि इसकी एंट्री केवल पासबुक में है. तो मुझे यहीं पर मिल गया कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्डेड है? पासबुक में रिकॉर्डेड है. तो मैं पासबुक में जा रहा हूँ. अब मुझे एनालाइज करना पड़ेगा पासबुक के कौन से साइड पर रिकॉर्डेड है, रिसिप्ट में है या पेमेंट में है. तो आपके कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए, तो बैंक अकाउंट में पैसे आए,
तो नथिंग बट पैसा आने की एंट्री पासबुक के रिसिप्ट में है, तो दिस इज रिकॉर्डेड ऑन द पासबुक रिसिप्ट. पासबुक रिसिप्ट इज वॉट, चेक करो, पासबुक रिसिप्ट इज क्रेडिट. यस और नो, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक, दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ पासबुक इज क्रेडिट. सो मेरी सेकेंड ट्रांजेक्शन या सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया क्रेडिट, तो मैं आगे लिख रहा हूँ सी आर यानी कि क्रेडिट. इज दिस क्लियर? वेरी सिंपल. उन्होंने कहा था कि आपके कस्टमर ने आपके बैंक खाते में पैसे जमा किए जिसकी एंट्री केवल पासबुक में, रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, मीन्स इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक. कैशबुक में रिकॉर्डेड नहीं है. वेरी गुड. कहाँ रिकॉर्डेड है? पासबुक में है. तो मैं पासबुक में आया, पासबुक में कहाँ रिकॉर्डेड है? पैसे जमा हुए आपके अकाउंट में, तो इट इज रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड या ऑन द रिसिप्ट साइड. तो पासबुक रिसिप्ट इज क्रेडिट. तो मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया क्रेडिट. इज दिस क्लियर? तो ये मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस का आंसर बन गया क्रेडिट. फिर तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस उन्होंने क्या दिया है? चेक इश्यूड. देखो, चेक इश्यूड ऑन 28 अगस्त वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th सितंबर, मतलब अगले महीने में. हम BRS कब बना रहे हैं? हम 31st अगस्त को BRS बना रहे हैं. तो मैंने 28 अगस्त को चेक इशू किया था, उसका पेमेंट 31st अगस्त से पहले हुआ क्या? आंसर इज नो, उसका पेमेंट हुआ बट ऑन 5th सितंबर, दैट इज अगले मंथ में. तो अगले मंथ में जो उसका पेमेंट हुआ वो अभी हम अगस्त महीने के BRS में उसे इंक्लूड करेंगे क्या? आंसर इज नो. तो इसका सिंपल मतलब फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ये है कि मैंने 28 अगस्त को चेक इशू किया था जिसका पेमेंट 31st अगस्त तक नहीं हुआ, 5th सितंबर को हुआ. तो वो भूल जाओ, 5th सितंबर इज द नेक्स्ट मंथ. अभी मैं BRS बना रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. तो मैंने 28 अगस्त को किसी को चेक इशू किया, अपने कस्टमर को या अपने सप्लायर को चेक इशू किया. उस चेक को इशू करने पर मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा कैश बुक में, लेकिन 31st अगस्त तक अभी भी उसका पेमेंट बैंक से नहीं हुआ है. तो चेक इशू किया लेकिन उसका बैंक से पैसा नहीं कटा. तो ये मैंने अभी कहा था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज ऑलवेज क्रेडिट. बट कैसे क्रेडिट? तो चेक इशू करने पर मैं एज अ बिजनेसमैन उसकी एंट्री कहां करूंगा? इन कैश बुक. कैश बुक के कौन से साइड पर करूंगा? पेमेंट साइड में. क्यों पेमेंट? क्योंकि मैं चेक इशू कर रहा हूं, आई एम गिविंग चेक टू माई सप्लायर. सॉरी नो, तो चेक इशू करने की एंट्री कैश बुक के पेमेंट साइड में है. कैश बुक का पेमेंट इज नथिंग बट क्रेडिट. यस और नो? सो ऑटोमेटिकली मेरा तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया क्रेडिट. Yes or no? कि चेक इशूड, तो सिंपली जब हम BRS बनाएंगे तो वही स्टेटमेंट हम रिपीट करेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू किया 28 तारीख को बट 31st अगस्त तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, वो बैंक में 31st अगस्त तक प्रेजेंट नहीं हुआ. हुआ प्रेजेंट बट अगले महीने में. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेक्स्ट मंथ. 31st अगस्त तक उसका पेमेंट हुआ क्या? आंसर इज नो. 28 अगस्त को इशू किया, 5 सितंबर को पेमेंट हुआ, 31st अगस्त तक पेमेंट हुआ क्या? नहीं. तो ऑन 31st अगस्त इस चेक का स्टेटस क्या था? ऑन 31st अगस्त इस चेक का स्टेटस था कि मैंने चेक इशू किया बट 31st अगस्त तक उसका पेमेंट नहीं हुआ था. तो इसका मतलब ऑन 31st अगस्त इसकी एंट्री केवल कैश बुक के पेमेंट में दिख रही थी, पासबुक में 31st अगस्त को उसकी एंट्री नहीं थी. राइट? क्यों कैश बुक में थी? क्योंकि जब मैं चेक इशू करूंगा तो चेक इशू करने पर से मैंने अपने सप्लायर को, मिस्टर कुमार को चेक दिया, तो चेक देने पर मैं इमीडिएटली कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा. इस और नो, कैश बुक में लिख लिया बाय मिस्टर कुमार. अब वो बैंक से जब पैसा कटेगा तब पासबुक में आएगा, तो पासबुक की एंट्री तक मैं थोड़ी रुकूंगा कैश बुक में एंट्री करने के लिए. जैसे ही चेक दिया मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया. कहां रिकॉर्ड किया? पेमेंट में. तो कैश बुक का पेमेंट इज क्रेडिट. सो माय थर्ड ट्रांजैक्शन बिकेम क्रेडिट. इज दिस क्लियर? तो ये तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट. चलते चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस को सब लोग स्टार करो अपने अपने टेक्स्ट बुक में. इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है. अगेन इसे मैं कह रहा हूँ आपको लर्न करना है कि ऐसा ट्रांजैक्शन इससे पहले, इसके बाद जब भी आएगा तो कीप इट माइंड कि मैं अभी क्या कह रहा हूँ उसके हिसाब से अगले ट्रांजैक्शन में भी हमें इसे फॉलो करना है. तो ये जो चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या कह रहा है? अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 30th August 2018. इंटीमेशन ऑफ द सेम वॉज रिसीव्ड ओनली ऑन 3rd September 2018. अब इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर इन 12th, उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा. मतलब ये ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड ऑन अ चैप्टर जो 12th में आपको है, विच इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो उसने डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को अगर मुझे आपको समझाना है तो हमें पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना पड़ेगा. तो मैं सिंपली आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट्स बता रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन के, बस उतने ही याद रखो. एज आई एम सेइंग कि इट इज़ अ टेक्निकल, तो ये टेक्निकल ही याद रखो कि वो क्या कह रहे हैं. अ बिल रिसीवेबल, राइट? अ बिल रिसीवेबल क्या होता है, कैसे होता है, उस पर डिस्कशन के लिए हमें फिर पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा.
तो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। तो एक बिल रिसीवेबल है, जो 15,000 का बिल रिसीवेबल हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया था, सिंपली इसका मतलब है हमने बैंक को बेचा था या गिरवी रखा था बैंक के पास, आज वो डिसऑनर हुआ तो उसके पैसे हमें अपने अकाउंट से पे करने हैं। टू समराइज दिस, इसका सिंपल मतलब है कि बैंक हमारे अकाउंट से 15,000 रुपये काटेगी। क्या करेगी बैंक? हमारे अकाउंट से 15,000 रुपये कट करेगी या निकालेगी, राइट? तो क्यों निकालेगी, कैसे निकालेगी, अगेन दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी, उसके लिए हमें पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब ये ट्रांजैक्शन को याद कैसे रखना है, ये ट्रांजैक्शन आपको कैसे भी दे सकते हैं घुमा फिरा के, द हाईलाइट पॉइंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल को मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? बिल रिसीवेबल, एंड दूसरा वर्ड आपको याद रखना है डिसऑनर। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या बन गया? बिल रिसीवेबल डिसऑनर। तो जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर ऐसा आपको किसी भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस में दिया जाएगा, इसका मतलब है इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन द पेमेंट साइड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इट इज रिकॉर्डेड ऑन द पासबुक पेमेंट साइड। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्रांजैक्शन है, लंबी चौड़ी ट्रांजैक्शन है, मैं हर एक पॉइंट डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए हमें पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो टू अंडरस्टैंड सिंपली, मैंने इसके दो कीवर्ड आपको दे दिए, एक है बिल रिसीवेबल एंड दूसरा है डिसऑनर। तो जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर आएगा तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री हमेशा पासबुक में होगी, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एंड पासबुक के कौन से साइड में होगी? हमेशा पेमेंट साइड में होगी। तो पासबुक का पेमेंट इज नथिंग बट डेबिट, राइट? तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर, सिंपल टेक अवे इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस का टेक अवे इज बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन पासबुक पेमेंट, पासबुक पेमेंट इज डेबिट, तो चौथा ट्रांजैक्शन इज डेबिट फॉर मी। हेंस फोर्थ आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो? बिल रिसीवेबल डिसऑनर डेबिट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर डेबिट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर डेबिट। अगर क्वेश्चन में आपको बिल रिसीवेबल डिसऑनर दिखेगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस में बिल रिसीवेबल डिसऑनर दिखेगा, इसका मतलब इट इज अ डेबिट। क्या है? इट इज अ डेबिट। तो मैं सिंपली उसे डेबिट मार्क कर रहा हूँ। क्यों डेबिट? क्योंकि बिल रिसीवेबल डिसऑनर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन पासबुक पेमेंट साइड, पासबुक पेमेंट साइड इज डेबिट। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री जब भी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, टेक इट एज अ डेबिट। इज दिस क्लियर? तो ये चौथा है, वेरी टेक्निकली मैंने आपको टेक अवे पॉइंट बताया एंड उसके बेसिस पे मैंने कहा कि इट इज ऑलवेज डेबिट, राइट? फिर पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट। ये भी सिंपल है समझने में, पासबुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है, इसका सिंपल मतलब है पासबुक का क्रेडिट साइड 2000 से ज्यादा है। इट इज ओवर, ओवर यानी कि एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा है? तो पासबुक का क्रेडिट साइड इज ओवरकास्ट, पासबुक का क्रेडिट साइड इज ओवरकास्ट, यस और नो? तो पासबुक का क्रेडिट साइड इज व्हाट? इज क्रेडिट। तो मेरे पांचवा ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट यानी कि ज्यादा है। मे बी कोई अमाउंट मैंने दो बार लिखी या एक्स्ट्रा 2000 है, तो मेरे पासबुक का क्रेडिट साइड इज ओवर। ओवरकास्ट का मतलब है द टोटलिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज 2000 एक्स्ट्रा। तो कहां पर एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा है पासबुक के क्रेडिट में। तो पासबुक का क्रेडिट एक्स्ट्रा है, मतलब ये ट्रांजैक्शन कैरीज क्रेडिट बैलेंस, एज सिंपल एज दैट। तो ओवरकास्ट है। क्या ओवरकास्ट है? पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है। तो मेरे लिए ये आसान है, पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट। सो फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट फॉर मी। इज दिस क्लियर? तो ये पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। अब आते हैं आखिरी सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये भी आसान है हमारे लिए। उन्होंने कहा है बैंक डेबिटेड 400 एज बैंक चार्जेस इन पासबुक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक चार्जेस की एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहाँ रिकॉर्डेड है? वो केवल पासबुक में है। तो कहाँ है? पासबुक के डेबिट में। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि बैंक डेबिटेड किसके लिए डेबिट किया? बैंक चार्जेस। कहाँ डेबिट किया? पासबुक में डेबिट किया। तो व्हाट आई कैन सिंपली से, जो छठा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो पासबुक के डेबिट में है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा बैंक डेबिटेड, किस लिए, क्या डेबिट किया? 400 रुपये बैंक चार्जेस डेबिट किया। बैंक कहाँ पर? हमारे घर पर आके या हमारे दुकान में आके बैंक हमारे कैशबुक में एंट्री करके जा सकती है क्या? तो बैंक क्या डेबिट करेगी? बैंक पासबुक डेबिट करेगी फॉर बैंक चार्जेस। तो बैंक ने पासबुक में डेबिट दिया जो हमारे कैशबुक में हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये जो सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट इज रिकॉर्डेड ओनली ऑन पासबुक का डेबिट साइड। तो पासबुक डेबिट मतलब जो छठा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इज नथिंग बट डेबिट। तो मैं लास्ट इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस को लिख रहा हूँ DR यानी कि डेबिट। इज दिस क्लियर? तो ये हमारे 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने डिस्कस किए, हर एक को डेबिट क्रेडिट मार्क किया। लाइक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेबिट, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेबिट, पांचवा क्रेडिट, एंड सिक्स्थ इज डेबिट। सो देयर आर 3 डेबिट 3 क्रेडिट।
यस और नो। तो डेबिट क्रेडिट हो गया, मतलब हमारा बेसिक प्राइमरी काम हो गया। अब हमारा अगला काम क्या है? अब हमारा अगला काम है प्रिपेयर बीआरएस बाय यूजिंग दिस फोर स्टेप्स। उसमें से पहला स्टेप क्या कहता है? ड्रॉ अ फॉर्मेट। तो मैं फटाफट आ रहा हूँ ऑन फ्रेश पेज, फॉर्मेट बना रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रवि। क्वेश्चन में दिया उन्होंने मिस्टर रवि, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st August 2018, पर्टिकुलर अमाउंट, रेगुलर फॉर्मेट। इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो फॉर्मेट क्लियर है सबको, अगर आपने ड्रॉ किया है वेरी गुड। दूसरा स्टेप क्या कहता है? सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टेप टू क्या कहता है? सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास दो स्टार्टिंग पॉइंट के ऑप्शन है, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। मेरे पास बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है 33600 एंड बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक इज क्वेश्चन मार्क। मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक मुझे फाइंड आउट करना है एंड मेरे पास अवेलेबल बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो बट ऑब्वियस आई कैन नॉट सिलेक्ट बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक एज माई स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसकी अमाउंट ही मिसिंग है। तो मेरे पास एक ही अमाउंट अवेलेबल है विच इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को ही अपना स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा एंड उसे उठा के मैं अपने बीआरएस के स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 33600 इन द अमाउंट कॉलम। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट का सिलेक्शन भी हो गया। तो स्टेप टू क्या कहता था? स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करो। मैंने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट किया। अब स्टेप थ्री कहता है सिलेक्ट फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला सिलेक्ट करना है आउट ऑफ द टू फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो ये दो फॉर्मूलेस क्या कहते हैं? इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, एड क्रेडिट माइनस डेबिट। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एड डेबिट माइनस क्रेडिट। तो अभी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है स्टेटमेंट में? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पॉइंट नंबर टू, दैट इज इफ माई स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आई हैव टू यूज रूल एड डेबिट माइनस क्रेडिट। तो मैं सेकेंड रूल एड डेबिट माइनस क्रेडिट यूज करूंगा। इज दिस क्लियर? एज माई स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एड डेबिट माइनस क्रेडिट। तो यहाँ पर मेरा स्टेप थ्री भी हो गया कि मैंने फॉर्मूला सेलेक्ट किया। अब स्टेप फोर क्या कहता है? प्रिपेयर बीआरएस। तो ये मेरा स्टेटमेंट रेडी है, फॉर्मूला रेडी है। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला यूज करके डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करने हैं, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस सबट्रैक करने हैं एंड फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। चलो लेट्स डू इट। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर, राइट। अब ये मेरे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। रूल क्या कहता है? ऐड डेबिट। तो मैं ऐड डेबिट पहले अप्लाई करूंगा, तो मैं ऐड डेबिट को हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं अपने बीआरएस में लिख रहा हूँ ऐड यस और नो कि मुझे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो डेबिट बैलेंस वाले वो ऐड करने हैं, राइट, एज पर रूल ऐड डेबिट। तो अब मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ, मेरे पास तीन डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, राइट। ट्रांजैक्शन वन, ट्रांजैक्शन फोर एंड ट्रांजैक्शन सिक्स आर द डेबिट। तो इन डेबिट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को उठा के मैं ऐड के नीचे लिस्ट बना के उसे स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करूंगा। तो मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो डेबिट वाला है वो कहता है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31st August 2400। इसका सिंपल मतलब है मैंने 24,500 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, जमा किया, लेकिन उसके पैसे अभी तक मेरे खाते में जमा नहीं हुए, मेरे अकाउंट में उसके पैसे अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। तो इसी ट्रांजैक्शन को उठा के मैं नीचे लिख रहा हूँ एज कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज़ 24,500। कि 24,500 का चेक मैंने बैंक में जमा किया, मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, मैंने पे इन स्लिप लगा के डिपॉजिट किया, लेकिन उस चेक के पैसे अभी तक क्लियर होके मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुए हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड 24,500। ये पहला डेबिट डिफरेंस था, राइट। फिर सेकंड डेबिट डिफरेंस, जैसे मैंने कहा था कि इसमें बिल रिसीवेबल डिसऑनर, इतना याद रखो बिल रिसीवेबल डिसऑनर, राइट। एंड इसकी एंट्री सिर्फ कहां पर है? पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। तो उसे भी मैं उठा के नीचे लिख रहा हूं एज अ स्टेटमेंट बिल रिसीवेबल डिसऑनर विद बैंक या बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर। क्या लिख रहा हूं मैं? बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर। जो बिल रिसीवेबल हमने बैंक के साथ गिरवी रखा था वो डिसऑनर हुआ, इसलिए बैंक ने हमारे अकाउंट से 15,000 रुपये कट किए। इज दिस क्लियर? कि बैंक के साथ हमने 15,000 का बिल गिरवी रखा था या बैंक को बेचा था, उसका पेमेंट कस्टमर से नहीं हो पाया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से 15,000 रुपये काटे। तो ये हमारे लिए नुकसान है, हमारे बैंक से पैसे गए, इसकी इसलिए एंट्री थी पासबुक के पेमेंट में। पासबुक का पेमेंट इज डेबिट, इसलिए इसको हमने डेबिट मार्क दिया था डिस्कस करते वक्त। तो ये डेबिट मैं क्या कर रहा हूँ एज पर रूल ऐड के लिस्ट के नीचे लिख रहा हूँ कि बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर रुपीज 50,000, राइट। तो जब भी ऐसा आएगा राइट द सेम स्टेटमेंट, नो इशू।
अब चलते हैं लास्ट डेबिट डिफरेंस जो कि छठा ट्रांजैक्शन, वो भी सिंपल है, बैंक डेबिटेड 400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक। तो मैं वही नीचे उठा के लिखूंगा कि बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो मैं सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस या डेबिट का तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस नीचे लेके आ रहा हूँ, जिसे मैं लिख रहा हूँ बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। कितने? 400, कि बैंक चार्जेस केवल पासबुक में रिकॉर्डेड है और कहीं पर यानी कि कैशबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये तीसरा डेबिट भी मैंने ऐड कर दिया। तो तीनों डेबिट डिफरेंसेस मेरे आ गए, राइट। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाना है। तो 24,500 प्लस 15,000 प्लस 400 इज 39,900। तो जो डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, तीनों डेबिट मिला के 39,900 है, जो कि मुझे रूल के हिसाब से ऐड डेबिट यानी कि ऐड करना है टू माई स्टार्टिंग पॉइंट। सो मैं 33,600 में 39,900 ऐड कर रहा हूँ, नीचे टोटल ले रहा हूँ एज 73,500। कितना टोटल आ रहा है? 73,500। ओपनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट 33,600, डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस 39,900, ऐड किया, मुझे नीचे आंसर मिला 73,500। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर रूल के हिसाब से मैंने पहला ऐड डेबिट अप्लाई करके डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड किए। अब रूल क्या कहता है, लेस क्रेडिट। तो मैं पहले तो लिख रहा हूँ अपने स्टेटमेंट में लेस, कि मुझे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लेस करने हैं, राइट। अब क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास फिर से तीन क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, ट्रांजेक्शन नंबर 2, 3 एंड 5, दिज आर माई 3 credits। तो इनको एक एक करके मैं नीचे BRS में लिखूंगा एंड उन्हें उनकी टोटल में स्टार्टिंग पॉइंट से सब्ट्रैक्ट। जो क्रेडिट का पहला डिफरेंसेस है क्या कहता है, वो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो जब मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा, मैं भी लिखूंगा कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, राइट। ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। आपको जैसा चाहे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा ट्रांजेक्शन उठा रहा हूँ एंड BRS में लिख रहा हूँ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली ₹33,000, राइट। जो दूसरा क्वेश्चन में दूसरा है, बट क्रेडिट का हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली 33,000। तो क्रेडिट का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने रिकॉर्ड किया। अब क्रेडिट का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, कि चेक इशू किया आपने, राइट, लेकिन उसका पेमेंट अगले महीने में हुआ, मतलब इस महीने में नहीं हुआ, जिसे हम हमेशा क्या कहते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मेरा जो क्रेडिट का सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उसे उठा के मैं अपने स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 38,800, कि मैंने चेक इशू किया बट अभी भी उसका बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है, या मैंने जिसे चेक दिया था उसने अभी तक मेरे बैंक को वो चेक प्रेजेंट नहीं किया है एंड उसका पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक मतलब कब? 31st अगस्त, क्योंकि मैं BRS बना रहा हूँ 31st अगस्त को। तो 31st अगस्त तक चेक का पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 38,800। ये भी सिंपल है। एंड अब तीसरा क्रेडिट इज 5th ट्रांजैक्शन, जिसमें उन्होंने कहा कि पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट। तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही उठाओ, नीचे कॉपी करो। तो मैं लिख रहा हूँ तीसरा, पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट ₹2,000, पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट ₹2,000। तो जो क्वेश्चन है वही मैंने एज अ स्टेटमेंट कॉपी किया, अमाउंट को सिर्फ मैंने अमाउंट कॉलम में लिखा। तो ये मेरे तीनों क्रेडिट भी आ गए, यस और नो? सो वी आर डन विथ ऑल द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। डेबिट के तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड किए, क्रेडिट के तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने लेस के नीचे लिखे। अब इन तीनों का टोटल दैट इज 33,000, 38,800 प्लस 2,000, तीनों का टोटल आउटर कॉलम में आ रहा है 73,800। तो जो मेरे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उनका सम, उनका टोटल इज 73,800। 33,000 प्लस 38,800 प्लस 2,000 इज 73,800। इज दिस क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, ये क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, तो रूल क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट क्रेडिट माइनस क्रेडिट। तो 73,500 मेरा सब टोटल था डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करने के बाद, माइनस 73,800, मुझे नीचे आंसर मिल रहा है माइनस 300। क्या आंसर मिल रहा है? माइनस 300। तो मेरे BRS का आंसर आ रहा है माइनस 300, 300 नहीं, इट इज़ माइनस नेगेटिव 300। तो नेगेटिव बैलेंस का मतलब है इट बिकेम ओवरड्राफ्ट, मतलब एज पर कैश बुक मेरे बैंक में माइनस 300 रुपये है, राइट। मतलब मैंने बैंक से 300 रुपये का ज़्यादा पेमेंट किया। ऑलरेडी कैश बुक के वक्त मैंने कहा था कि बैंक कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस विच इज़ कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट, कि मेरे पास बैंक में पैसा नहीं है फिर भी मैं बैंक से पैसा पे कर सकता हूँ बट टेकिंग एन ओवरड्राफ्ट, तो बैंक जाएगा नेगेटिव बैलेंस में। से मेरे बैंक में 1,000 रुपये है और मैंने किसी को 2,000 पे किए,
तो बैंक से 2000 का पेमेंट होगा, बट बैंक में मुझे माइनस 1000 बैलेंस दिखेगा कि आई एम इन एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1000। तो वैसे ही मेरे BRS में माइनस 300 आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ बैलेंस। मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे बाकी नहीं है, मेरे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, मतलब माई अकाउंट इज शोइंग एन ओवरड्राफ्ट। तो इसी आंसर को मैं लिखूंगा एज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। शुरुआत मैंने पासबुक से की तो आंसर इज एज पर कैश बुक, बट माइनस 300 आ रहा है इसलिए मैं उसे लिख रहा हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। एंड जो माइनस साइन है वो मैंने हटा दी, माइनस साइन, ओवरड्राफ्ट का मतलब है माइनस, तो माइनस नहीं लिखना है वहाँ पर। तो जस्ट मैंने पहले आपको समझाने के लिए कहा था कि माइनस 300 है, अब वो माइनस 300 माइनस साइन जो मैंने हटा दी एंड उसके जगह मैं लिख रहा हूँ कि माइनस का मतलब दिस इज माय ओवरड्राफ्ट। तो आई एम राइटिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 300, दिस इज माय फाइनल आंसर। व्हाई आई एम राइटिंग इट एज ओवरड्राफ्ट, क्योंकि आंसर हमें माइनस में मिला था, माइनस का मतलब है कि देयर इज एन ओवरड्राफ्ट, आपके बैंक खाता माइनस में चल रहा है, यानी कि आपने बैंक से ज़्यादा पैसे पे किए, which is termed as overdraft, right? Minus, यानी कि overdraft, तो मैं लिख रहा हूँ bank overdraft as per cash book 300, is this clear? मैंने normal balance से शुरुआत किया था, तो balance minus में चला गया, कि passbook के हिसाब से 33,600 है, लेकिन cash book से हिसाब से minus 300 में खाता चल रहा है, minus 300 means overdraft, yes or no? That is overdraft as per cash book. तो यहाँ पर हमारा practical example 3 complete हुआ, कल हम solve करेंगे practical example 5, तो आपका काम है practical example 5 पढ़ना, उसके debit credit mark करके रखना, जितना आपसे बनता है उतना, राइट? सिर्फ डेबिट क्रेडिट मार्क करो, फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, रूल क्या है, वो हम आने के बाद डिस्कस करेंगे। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, सी यू